तो अपने आज इस वीडियो में करने वाले अपना ये गाड़ी है एक्सेंट हुंडई की, इसको करने वाले इंजन का रेडिएटर प्लस। तो रेडिएटर प्लस करने के लिए अपने पास दो चीज़ें हैं अभी। एक है रेडिएटर क्लीनर, आता है लिक्की मोली का, ठीक है, इससे पहले मैंने इस्तेमाल किया, रियल काफ़ी अच्छा है। और जब इसको प्लस करेंगे तो ये अपना बोस का है कूलन, 17 रेशियो है, और ये कॉस्टिंग मुझे पड़ी है 220 रुपये, इसे 229 रुपये, 10 रुपये डिस्काउंट दिया है अप्रोक्स। ऑनलाइन मत ले लेना, महंगा पड़ता है, दुकान से ले आना, ठीक है। ये भी अच्छी प्रोडक्ट है, ये भी आप इसके बदले मारुति सुजुकी का जो गोल्ड आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेट्रोल गाड़ी के लिए, और डीजल गाड़ी के लिए ग्रीन मारुति सुजुकी खुद रिकमेंड करती है। ये चीज़ हो गया, फिर आप पूरी वीडियो दिखाऊंगा कि इसके इसको कैसे प्लस करना है। वीडियो बने रहना, कोई चीज़ स्किप मत करना, ठीक है, नहीं तो स्टेप मिस जाएंगे तो फिर पूरी डिटेल शेयर नहीं होती है, ठीक है। शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो पहला काम अपना है रेडिएटर का कैप खोलो। तो इसमें अगर ये पूरा भरा हुआ, देखो पहले आपको रेडिएटर उसका पानी दिखा दूँ, प्लस वीडियो कर, देखो अब ये ख़त्म हो गया है, थोड़ा ग्रीननेस नहीं है बिल्कुल। तो पहले क्या करेंगे, थोड़ा इसको जितना केमिकल जाए, क्योंकि ये 200 ml है, 200 ml की जगह बनानी पड़ेगी, तो उसका जो वाल आता है नीचे वो खोल के थोड़ा कूलेंट गिरा देंगे हम लोग। लगभग सब कार में आएगा कूलेंट, मतलब ये रेट वाल, ठीक है, ये देखो कूलेंट गिर रहा है, थोड़ा कूलेंट गिरने देंगे, आपको यहाँ पाइप में दिखेगा, ठीक है, 200 ml जितना हो जाए, इसको डायरेक्ट मत गिराना, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको मैं जरा टाइट कर दूँ, फिर अब हो गया काम वर्क अपना। तो देखो ये 200 ml के आसपास गिर गया, यहाँ जगह भी हो गई है, तब इसमें अपने डालेंगे ये, ठीक है, उसका दबा के खुलता है, ये दबाएगा ये हाँ दबा के फिर से खुलेगा, ठीक है, और फिर ये इसका पुश करना पड़ेगा बाहर, उसमें उंगली फंसा के खींचो, ठीक है। तो ये 200 ml है, बोतल में तो आधा ही है देखो, लेकिन 200 ml है, इसको अपने अंदर डालेंगे, ध्यान से डालना कि कम है, गिरे नहीं ज़्यादा, पूरा बोतल खाली कर देना अंदर, ये थोड़ी प्रोसेस लंबी होने वाली है क्योंकि वीडियो भी थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इसमें 2-3 बार प्रोसेस करनी है, ठीक है। तो भर दिया, और अभी गर्मी आ रही है, काफ़ी अच्छा है, कूलेंट साफ अपना रेडिएटर साफ कर लो, तो ज़्यादा कम हो लगे कि भाई कम हो गया, थोड़ा पानी डाल के इसको टॉप अप कर लो, कम पानी में नहीं चलाना, ऐसे 200 ml गिराया था हम आपके। तो अपने लोगों ने इसको भर दिया पूरा, अब इसको बंद करेंगे, ढक्कन लगा देंगे, और इस पर जो इंजन के ऊपर से सामान है सब ले लें, यहाँ नहीं कुछ नहीं, गिर जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, फैन आ जाएगा, फैन के कपड़े भी आ जाएंगे, तो सब चीज़ें हटा लेनी है, फिर अपनी गाड़ी चालू करेंगे। तो गाड़ी चालू कर लेते हैं, तो अभी ऐसे बात करूँ, ये अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मतलब इलेक्ट्रिक में जो फैन आता है ना, वो गर्म होने के बाद ये फैन चलेगा, फैन उससे पहले चलेगा नहीं। एक हो गया, अपनी जीप है जैसे थार है, तो उसमें हमेशा चलता रहता फैन, तो उसका टेम्परेचर लेने का इंतजार करना पड़ेगा, वो 89 या 20 होता है, मैं दिखाता हूँ गेज में भी कितना टेम्परेचर घूमेगा, और ये घूम रहा है, जब ये घूमना शुरू होगा तो आपका मतलब ये हो गया कि आपका थर्मोस्टेट काम करना शुरू कर दिया है, मतलब पानी घूमने लगा रेडिएटर में से, इंजन में भी जा रहा, तो वो भी सेक्शन अच्छी तरह साफ हो जाएगा। अभी दिखाऊँ इसमें टेम्परेचर कब लेगी, जब ऐसी कोई कार होती है तो ये अप्रोक्स यहाँ मीट तक आएगी, दिख रहा है, यहाँ तक आएगा टेम्परेचर, तो ये गाड़ी टेम्परेचर ले लेगी, तब वहाँ पर अपने इसको फिर से प्लस करेंगे, तब इसको मतलब कूलेंट निकालेंगे पूरा। तो आपको टेम्परेचर आने तक का गाड़ी का इंतजार करना है, लगभग 10-15 मिनट लगेगा, जैसे आपकी कंडीशन हो ना हो तो ड्राइव करके चले आओ, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अभी ये गाड़ी गर्म हो जाए, फैन चलता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये देखो फैन चालू हो गया, ये जैसे कि कटअप भी आता है, ऐसा नहीं है, जैसे कि अभी देखो ठंडा हो गया, अभी थोड़ा बंद हो जाएगा, और जब जो फिर गाड़ी गर्म होगी फिर तो चालू होगा, ऐसा लगे जल्दी गर्म नहीं हो तो बोनट भी बंद कर दो, तो अभी वो चालू होगा तो बाहर तक आवाज़ आती है इसकी, अभी देखो अभी चालू होगा थोड़ी देर में, एक बार दिक्कत, हाँ तो ये हो गया, ठीक है। तो गाड़ी चला भी ले रहे हैं, अगर आपको लगे कि टेम्परेचर नहीं आ रहा है, टेम्परेचर आ गया, मैं दिखा देता हूँ आधा, और गाड़ी फैन घूम भी गया, क्या अपने आप कट ऑफ होता है ना, मैंने आपको बोला था ये आधे के पास आएगा, ठीक है, आधे के पास आ गया, बाकी मैं अपने जीप में तो लिखा हुआ था पूरा, ठीक है, टेम्परेचर ले लिया आपका, जो भी टेम्परेचर 89 है या 82 है उस पर ही वो टेम्परेचर देगा, ठीक है। अब ये गाड़ी में से अपने निकालते हैं कूलेंट, ठीक है, आपको लगता चला सकते हो चला लो गाड़ी, अभी ये बताओ थोड़ी देर गाड़ी बंद कर दो, गाड़ी बंद कर दो, और थोड़ा ठंडा होने दो, पूरा नहीं एकदम ठंडा हो जाने देना है, 5 मिनट रुक जाओ, गाड़ी ठंडी हो जाए थोड़ी, तो फिर उसके बाद अपने कूलर निकालेंगे इसका, 5 मिनट हो गया तो अभी इसको अपने खोलेंगे, तो पहले ऊपर से थोड़ी गैस निकाल लेते हैं, कपड़ा लेके खोलो, इसे नहीं तकलीफ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा दबा के उसको खोलो, थोड़ा एयर लेगा आपका, ठीक है, फिर जब एयर छोड़ दे तो आपको उसको खोल लेना है, गाड़ी बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो तो इसे काम नहीं करना है, उस पर लिखा रहता है, ठीक है। ये हो गया, अब नीचे का वाल खोलेंगे, वाल भी इसे संभाल के करना है, ठीक है, वाल खोल भाई, इसे मैं बोला 5 मिनट गाड़ी इसे ठंडी जाए तब खोलना, 90 डिग्री के आसपास तापमान तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन है ज़्यादा, थोड़ा जलने के लिए तो काफ़ी है,
ना खुले, जैसे प्रेशर बन जाता है कई बार, तो उसको पकड़ से खोल लेना है। तो खोलने के बाद कूलर गिरने, थोड़ा रोप लेना था पेली में से, गिरने मत देना, क्योंकि कोई पी यू लेगा ना जानवर तो तकलीफ हो जाएगी। छोड़ दो, अब इसको गिरने दो। तो अभी हम रोप नहीं सकते, ज़्यादा तेज गिर रहा है, अब इसको गिर जाने देते हैं भाई। इसका भी इसको दबा दे, इसका पानी निकल जाए। खोल, ये खोल के ढक्कन ये बंद करना, ये इसको बंद करो, तभी इसका शक कर लेगा। और अपने में तो क्या होता है, खोल के फेंक देते हैं तो निकल जाता है। इसका भी कूलर गिरा देना। तो सारा कूलर गिरने का इंतजार करते हैं, कूलर की कंडीशन उतनी पानी जैसी हो गई, तभी अपने कूलर गिरने के बाद मिलते हैं। तो 10 नंबर का बोल्ट खोल के इसको निकाल लिया, ठीक है। कूलर अपना गिर गया है, गिर रहा धीरे धीरे, इसे थोड़ा रोप लेना है, फिर इसको भी इसी में खाली कर देना। कूलर इसमें भी गया है, ठीक है। इसको तो एक ही बार में साफ कर लेना, फिर दोबारा नहीं खोलना है इसको। अगर अंदर वो है गंदगी है तो पानी थोड़ा झकझोर के निकाल दो तो निकल जाएगा। तो अभी एक बार करते हैं, पानी डाल के साफ, एकदम ऐसे खुला हुआ है वाल और पानी डाले ऐसे, भाई उल्टी करते बोतल एक साथ, तो थोड़ा प्रेशर के साथ नीचे पानी निकलेगा। पानी गिर रहा है, देखो ठीक, ऐसे एक बार क्लीन कर लेंगे, फिर दो बार इसको पानी भर के गाड़ी फिर से घुमाएंगे। इसमें जो झाग है ना, वो झागपन कम हो जाना चाहिए, जो झाग बनता है इसमें वो केमिकल निकलेगा। आपको ऐसा लगे तो एक बोतल दो बोतल ऐसे रिपीट कर लो आप, फिर इसके बाद हम उसको गाड़ी में ही डाल के फिर से पानी गाड़ी गर्म करेंगे। तो अब इसका आप अपने वाल लगाएंगे नीचे, भाई वाल लगा दे, और इसको रेडिएटर को पानी से भरेंगे, कूलर में नहीं डालना है, और इसको एक बार गर्म करेंगे। तो मैं एक बार ये प्रोसेस दिखाऊंगा, इसको दो बार ऐसे रिपीट करना, पानी भर के दो बार आपको गर्म करना है, तो सारा केमिकल जो होगा सिस्टम में से वो पानी में से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भर के मैं पानी गाड़ी चालू करता हूँ, देखो ये भर गया, ठीक है। और अब यही जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसे एक बार अभी और टेम्परेचर लेंगे हम लोग इसका, फिर वही चीज़ एक बार और रिपीट करेंगे, मतलब दो बार, आपको लगे तो आप तीन बार भी कर सकते हो। तो ये करेंगे, आप गाड़ी चालू कर दे भाई, चालू करके टेम्परेचर लेने के लिए, इस बार उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि गाड़ी अभी भी गर्म ही रहती है, थोड़ी कम हुई है, इसको वहाँ तक आने ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब इसको गर्म होने देते हैं। तो अब ये देखो फैन चालू हो गया, ऐसे सेम जिस सेकेंड टाइम भी कर देना है चालू, आपको रखना है तो 5-10 मिनट रखो गाड़ी, तो क्या थोड़ा पानी अच्छी तरह घूम जाए आगे, ठीक है। और ऐसे फिल्टर लोगे तो जल्दी फैन घूम जाएगा, चला के लेके आओ गाड़ी, अभी तो चलने देते हैं। तो सेकेंड टाइम भी अपने उसको ऐसे खोलेंगे, ध्यान से खोलना है, प्रेशर रहेगा तो पानी निकलेगा, ठीक है। या फिर आप वही गाड़ी ठंडी होने का इंतजार कर लो, ठीक है। तो आप इसको अपने निकाल लेंगे, तो जैसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, 5 मिनट रुकने देना है, ठीक है, थोड़ा ऐसे भाप जैसा निकला था। तो अब इसको सेम वही चीज़ करके रेडिएटर में पानी गिरा लेंगे, और मैं फिर इसमें पानी भर के फिर से मैं एक बार इसको फ्लश करूंगा। ये चीज़ आपको दिखा नहीं रहा हूँ, अब इसको जब एक राउंड हो गया मेरा, अब दूसरा राउंड पूरा करके फिर आपको मैं दिखाता हूँ, यही सेम चीज़ रिपीट कर लेंगे। तो इसको हम लोग दो बार कर चुके हैं, कूलेंट गिराने के बाद दो बार पानी से इसको साफ किया, ठीक है। आपको सर तो आप कर दो, इसको बढ़ा दो, टाइम जाएगा बस, कुछ नहीं, नीचे वाल कंपलसरी लगा देना। अब इसमें अपना कूलेंट डालेंगे, ठीक है। अपने पास है ये बॉस का, ये तो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, और कॉस्टिंग है 320 रुपये की, ठीक है, नहीं सॉरी 220 रुपये, 229 रुपये लिखा है, 9 रुपये डिस्काउंट दिया। अब तो अब इसको डालेंगे अपने कूलेंट, तो ज़्यादातर कूलेंट हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा बहुत कूलेंट इसमें डालेंगे, जरूरत नहीं, क्योंकि अपने आप पानी रिफ्रेश तो होता है। हाँ, एक बात और बोल दूँ, जैसे कि आप पहली बार जब इसको टॉपअप करोगे उसके बाद एक बार पानी कम होगा जब चलाओगे तो टॉपअप कर लेना, और हर ज़रूरी नहीं कि हो ही, ज़्यादातर ही होगा, ठीक है। डाल दे भाई कूलेंट, इसमें लगभग 3 लीटर या 3.5 लीटर के आसपास जाएगा पूरा कूलेंट और पानी मिला के, अप्रोक्स होता है, और बड़ी गाड़ियों में ज़्यादा आएगा, तो आपको दो बोतल इस्तेमाल कर लेने की, जैसे थार है, जीप है, ऐसी कोई बड़ी गाड़ी है, स्कॉर्पियो है, बुलेरो, उसमें 6-7 लीटर जाता है, तो उसमें दो बोतल डाल देने की रेशियो के हिसाब से। अभी मैं कूलेंट भर लूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तब डाल रहे हैं पानी, तो आप डिस्टिल वाटर मतलब बोलते हैं, तो आप आर ओ का पानी इस्तेमाल करो, जैसे नॉर्मल पानी टाँकी का मत इस्तेमाल करें, छार जमता है ज़्यादा, तो ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है रेडिएटर। अब इसको अपने पानी से पूरा भर देते हैं, इसमें भर दिया मैक्सिमम तक, और अभी थोड़ा इसको चालू कर देंगे, जो थोड़ी बहुत एयर अपने इसके अंदर होगी रेडिएटर में वो ख़त्म हो जाएगी, अंदर गया ना जो एयर होगी ना वो एक बार चली जाएगी अंदर, भाई एयर अंदर गया, एयर मिल गया इसमें, तो कूलेंट मिक्स हो जाएगा, वो एयर रहती सी वैसे ऐसा होता है। अभी एक बार शायद लेवल होगा, जब आप गाड़ी चलाओगे पूरा पानी घूमेगा ना, तभी बार होगा, टेंशन नहीं, से पानी आ जाता है। टेम्परेचर लगे इंतजार मत करो, गाड़ी चलाओ, फिर उसके बाद ऐसे एक बार खोके आप उसको वो कर दो टॉप। तो देखो, आप एक चीज़ और आपके साथ शेयर करता हूँ,
अगर आपका आपने गाड़ी चालू की, अगर इसमें से बुलबुले निकलते हैं, बुलबुले इसमें भी निकलेंगे या आपके इस बोतल में निकले, तो आपकी हेड गार्ड फिर गई हुई है, गाड़ी हीट हुई है। आप कभी गाड़ी लेने जाओ तब भी ये चीज़ चेक कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ आपकी समस्या थी। और ऐसे आप गाड़ी घर पर भी वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, प्लस कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे आपको साल भर में कूलेंट बदली देना चाहिए, भले चली ना चली, और कंडीशन चेक करके। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दो, आप मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।